देवादिक का श्रद्धान हो फिर तत्वों का विचार हो। ये देवादिक का श्रद्धान क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें देव शास्त्र गुरु पे भी सच्ची श्रद्धा नहीं है। तो जिसने बताया है जब उसी पर सच्ची श्रद्धा नहीं है तो जो बताया उस पर श्रद्धा कैसे होगी? समझ में? मैंने ये देव शास्त्र गुरु ये जो बता रहे हैं कि परम सत्य है, तो जिसने बताया है उनके प्रति तो श्रद्धा हो। अभी जिनेन्द्र देव सारे लोकालोक को जान रहे हैं और जिस द्रव्य का जैसा प्रणमन जब होना है वो जान रहे हैं। ऐसा जीव बैठ के शांति से निर्णय करे तो उसके अंदर निर्भरता आवे, उसको एक श्रद्धा आवे, विश्वास आवे। तो ये सारी बात रुपया पैसा मकान दुकान कुटुम्ब परिवार शरीर इनका कर्ता भोक्ता में नहीं हूँ। इनका जैसा प्रणमन होना है वो हो रहा है। अगर अंदर ये निर्णय बने तो जीव को अंतरंग में शांति से बैठ के आत्म ध्यान हो सकता है। लेकिन सुनते तो हैं पढ़ते हैं लेकिन अंदर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का ठिकाना नहीं है। श्रद्धा माने उनको मानते तो हैं कि ये भगवान है लेकिन वास्तव में ये भगवान है और इन्होंने जैसा वस्तु का स्वरूप इनके ज्ञान में झलक रहा है जिस समय जो पर्याय होनी है वो होनी है, ये अंदर विश्वास नहीं है। और दूसरा ये भगवान है भी कि नहीं, भगवान महावीर है कि भरोसा है? बोलो, नहीं है। जिसे भगवान महावीर हैं आदिनाथ हुए हैं और ऐसा ऐसा सब हुआ है पक्का निर्णय हो जाए तो सम्यक दर्शन में कितनी देर लगे। लेकिन अभी तो जो दिखता है उस पर विश्वास है, समझ में आया? और भगवान आदिनाथ हुए होंगे, महावीर हुए होंगे, अब जो हुआ होगा होगा, तो उनको परंपरा से पूछते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन अंदर में वास्तव में केवल ज्ञानी परमात्मा ने जिस द्रव्य का जैसा प्रणमन देखा है उस द्रव्य का प्रणमन वैसा ही होगा, मेरे करने से नहीं होगा। अगर बहुत दृढ़ श्रद्धा हो तो कर्तृत्व का बोझ हटे और कर्तृत्व का बोझ हटे तो शांति से धर्म ध्यान में मन लगे। लेकिन अभी मन क्यों नहीं लगता ध्यान में, तत्व विचार आदि में मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि अभी कर्तृत्व चल रहा है। तत्व विचार आदि करके कौन समय बर्बाद करे? समझ में? सोते काय के लिए, थक जाते हैं तो सोते हैं, फिर ज़्यादा सो लेते हैं तो फिर थकने के लिए जाते हैं, कमाते काय के लिए, भोगने के लिए, फिर भोग लेते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर कमाते हैं। तो ऐसा कर्तृत्व अंदर चलता है कि सब व्यवस्था मैं बनाने वाला हूँ। जब मैं व्यवस्था बनाने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, तो ये धर्म परम्परा से सुनते हैं। देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति भी पुण्य के लिए करते हैं, करने के लिए करते हैं, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा जो प्रणमन है मैं करता धरता नहीं हूँ, ऐसी श्रद्धा नहीं आती। तो देखो यहाँ क्या लिखते टोडामल जी कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान होना चाहिए।